The precipitation, again a different thing, already described in properties. Precipitation is the diffusion. डिफ्यूजन जब होगी हमारे पास तो फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगी. डिफ्यूजन मीन आपको अच्छी तरह से तो पता है, मरवा नजीर हमारे पास ही है ना कि नहीं, दोबारा आई है, इसको तो नहीं निकाला था सर, चली गई है. नहीं सर चली गई थी बीच में, दोबारा. अच्छा चली गई थी. डिफ्यूजन जो है इट रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर फ्रॉम अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन एंड सिल्वर फ्रॉम बीटा सॉल्यूशन. ठीक है जी, डिफ्यूजन जब भी होगी तो प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है. कैसे? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, ये तो हमें सबको पता है, ज़हन में है आपके कि नहीं है? यस सर, यस सर. ठीक है ना जी. नाउ सर्टेन टेम्परेचर्स आर देयर एट विच डिफ्यूजन इज पॉसिबल. And what are these temperature? These ranges from 300 degree centigrade to 600 degree centigrade. In these temperatures, slow diffusion of copper atoms can occur. High में तो होती ही होती है ना, लेकिन 300 to 600 के ऊपर भी slow diffusion हमारी होगी. If sufficient time in this temperature range is provided, copper would begin to precipitate from the alpha solid solution. उसमें क्या होगा कि कॉपर जो है वो precipitate हो जाएगा अगर हम उसको थोड़ी देर तक इसी temperature पर रखें. क्यों? क्योंकि temperature कॉपर का ज्यादा है तो कॉपर जल्दी ही precipitate हो जाएगा, वो इससे छोड़ देगा हमारे सिल्वर, बाहर आ जाएगा. ठीक है ना, सिल्वर को छोड़ के. तो ये precipitation होती है. ठीक है जी. सेम जैसे हम precipitate